नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से खबर, जहां एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने दाखिल किया है नामांकन। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 10 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, आईएएस, जी हां रिटायर्ड आईएएस अरविंद कुमार शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तो नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यूपी में विधान परिषद के 12 सीटों पर यह चुनाव होना है, तो 12 सीटों पर चुनाव होना है जिस पर 10 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की तरफ से बता दें, आज जब नामांकन प्रक्रिया जारी थी तब विधानसभा के बाहर एक बड़ा हुजूम देखा गया। और नामांकन प्रक्रिया की अगर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो बात आपको ये बताएं, यहाँ पर 10 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, जिनमें प्रमुख नामों की अगर बात करें तो रिटायर्ड आईएएस अरविंद कुमार शर्मा का नाम है, स्वतंत्र देव सिंह, साथ ही साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, लखनऊ एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 10 उम्मीदवार जिनका नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि आज बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के लिए खुशी का दिन है। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी उम्मीदवार सलिल विश्नोई भी जुड़ चुके हैं। सलिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी, क्योंकि आज नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, नामांकन भर दिया गया है। लेकिन उससे हटकर अगर हम सवाल करें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का, उसके बारे में जाने। कार्यकर्ताओं का उत्साह है और पार्टी लोगों ने नामांकन किया है। हमारी पार्टी ने जिन लोगों को निर्देशित किया था विधान परिषद में पर्चा भरने के लिए, उन्हीं लोगों ने किया है और हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ आज नामांकन कराया। सलिल जी, अगर हम बात करें आज की जो नामांकन प्रक्रिया जो कि पूरी हो चुकी है, उसके बाद हमने जो खबर सामने आई कि एक बैठक भी होनी थी, सभी जो उम्मीदवार थे उस बैठक में शामिल होने थे, तो क्या कुछ खास रहा उस बैठक में और क्या कुछ आगे रहेगा? कोई विशेष बात नहीं रही, उसमें ये बताया गया है कि कल नामांकन पत्रों की बात होगी, उसके बाद स्पष्ट होगी। आने वाले वक्त के लिए जानेंगे, क्योंकि विधान परिषद के जो चुनाव है 12 सीटों के लिए, जिसमें से 10 जो नामांकन दाखिल किए वो बीजेपी की तरफ से, तो कैसी तैयारियां हैं आपकी तरफ से और क्या उम्मीद है? मेरे पास पूरा संख्या बल है, हमारे सहयोगियों के मत अतिरिक्त है, हमारे 10 प्रत्याशी अपने पूर्ण बहुमत के साथ जितनी आवश्यकता होती है 31 मतों की, उसके साथ जो है वो पूर्ण पहली वरीयता में जीते। और वहीं अगर नामांकन प्रक्रिया की हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां उस दौरान मौजूद रहे थे, तो किस तरीके से उन्होंने उत्साह बढ़ाया? क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होते खुद वहां का माहौल जो होता है, उत्साह एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी वहां उपस्थित थे, वो सभी प्रत्याशियों के साथ साथ जो उनके समर्थक कार्यकर्ता विभिन्न जिलों से पूरे प्रदेश से आए थे, उनको सबको अपना आशीर्वाद दे रहे। सलिल जी, अगर हम सपा और बसपा को लेकर बात करें तो सपा की तरफ से 2 नाम सामने आए थे और एक को बहुमत के साथ पेश किया गया था, तो वहीं बसपा की तरफ से 2 फॉर्म जरूर लिए गए लेकिन नाम किसी का सामने नहीं आया, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी विरोधी दल निराश और हताश है। उनके पास सिर्फ एक एमएलसी जिताने का संख्या बल सपा के पास है जी, दूसरे के लिए वो तोल फोल रखते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का तो अपना निष्ठावान मतदाता है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के 100 उम्मीदवारों को चुनाव
जिताने के लिए सक्षम है। अगर हम विधान परिषद के चुनाव को लेकर बात करें और आने वाले वक्त में किए जाने वाले काम को लेकर बात करें, क्योंकि अब आगे विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और विधान परिषद के चुनाव भी हैं जिसकी प्रक्रिया नामांकन के आज पूरी हो चुकी है, तो किस तरीके के उम्मीदें आप कर रहे हैं भविष्य से? देखिए, निश्चित रूप से इस MLC के चुनाव के बाद प्रदेश में पूरे जिले में पंचायतों के चुनाव होने हैं। पंचायतों के चुनाव के बाद जो है फिर 2022 का आम चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ इन चुनावों को लड़ेगी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी दल के आधार पर पंचायत चुनाव में उतरेगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, हमारे 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे सदस्य संख्या है, हम 90% से अधिक पंचायत पर विजय हासिल करेंगे और 2022 का जो चुनाव है उसके लिए मुझे लगता है कि पार्टी ने तरह से विधानसभा में अपने 10 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया है। ये सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर 2017 में जो पार्टी की जीत हुई थी ऐतिहासिक, चूंकि हम विधान परिषद चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, जिला पंचायत को लेकर भी बात कर रहे हैं, ऐसे में अब हम अगर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका साफ कहना है कि यूपी सरकार की तरफ से कोई काम ही नहीं किए गए, जनता त्रस्त है, इस तरीके की तमाम बातें सामने आती है। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी अपनी कमर कस चुकी है और यूपी में साफ कहा है कि अब जो विकास कार्य है वो जनता दिल्ली जैसा चाह रही है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश में चतुर्मुखी विकास का काम किया है। हमने सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में एक लाइन ऑर्डर की समस्या आ गई थी, हमने सारे गुंडा माफियाओं को या तो जेल के अंदर कर दिया है या उनकी नकेल कस दी है। अरबों रुपए की संपत्ति माफियाओं की जो गलत तरीके से उन्होंने अर्जित कर रखी थी, वो हमने कानून के सहारे कोर्ट का सहारा लेकर उन सारी संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया। ऐसा उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लाइन ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ चाक चौबंद है, जहाँ कहीं भी कोई कमी आती है वहां तुरंत कठोर निर्णय लिए जाते हैं। प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नई योजना हुई है, इन्वेस्टर समिट के द्वारा बाहर से निवेशकों को प्रदेश में आकर्षित किया जा रहा है, प्रदेश के अंदर नए हाईवे बन रहे हैं जो प्रदेश की विकास की गति को बढ़ाएंगे। हमारी योगी सरकार चतुर्मुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है और इसके लिए हमें दिल्ली की मोदी सरकार का भी पूर्ण मार्गदर्शन और संरक्षण मिलता है। केंद्र और प्रदेश की सरकार मिलकर जिस तरह से हमने कोरोना की संकट पर हमने जिस तरह से नियंत्रण किया और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कोरोना से लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित थी, हमने जो प्रयास किए वो बाद में फिर मॉडल के रूप में दूसरे राज्यों ने ग्रहण किए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की अपने आप में सफलता है। और इस समय हम कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए भी पूरी तरह से तत्पर हैं। हमारे वैक्सीन को लेकर जी सवाल मेरा रहेगा यहाँ पर, अगर हम सपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो खुद सपा अध्यक्ष वैक्सीन को लेकर तमाम तरीके के हमले बोलते नजर आए, उनके तमाम बयान सामने आए, उनके जो कार्यकर्ता है नेता है उन्होंने भी कई बयान जारी किए वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन योगी सरकार ने हार नहीं मानी, उन्होंने जनता को बखूबी जागरूक किया है। लेकिन जब सपा इस तरीके के हमले बोलती है, चाहे वो चुनावी तैयारी ही क्यों ना हो, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या राय है, क्या आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम उनकी हर झूठी बात का खंडन करते हैं और सपा के पास हमला करने के लिए कोई आधार नहीं है। सपा की 5 साल की सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल रही थी और योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को देखते हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी आई हुई है और कोई विकल्प देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा को किस दृष्टि से आप देखते हैं आने वाले वक्त के लिए? देखिए, बसपा तो समाप्त हो गई, उसके अधिकांश विधायक अभी भी भागने के चक्कर में, सांसदों की स्थिति बहुत संख्या कम रह गई है। बसपा जो प्रदेश में कभी प्रमुख भूमिका में रहती थी, अब वो बी टीम हो गई है। कभी वो कांग्रेस से हाथ मिलाती, कभी सपा से हाथ मिलाती है, उसकी स्वयं की स्थितियां इस प्रकार की नहीं रह गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कहीं भी खड़ी हो। सलील जी, बसपा की तरफ से 2 फॉर्म लिए गए विधान परिषद चुनाव में, जो नामांकन दाखिल करना था 2 फॉर्म लिए गए, लेकिन उम्मीदवारों का नाम सामने ही नहीं आया, तो ऐसे में क्या आपको लगता है?
देखिए मुझे तो कोई ये लोकतंत्र में अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का, अगर बसपा अपनी ताकत का अंदाजा लगाती है और उसको इस बात का एहसास हो सकता है कि उसके कार्यकर्ताओं को उतने वोट भी मिल जाए जितने उसके विधायक है तो लड़ाई हम तो इसका स्वागत करते हैं। बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवार उतारे जिनमें रिटायर्ड आईएएस अरविंद कुमार शर्मा का भी नाम शामिल है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी नाम शामिल है और तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग माने जा रहे हैं। तो अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो किस तरीके की सभी की मिलकर तैयारी रहेगी वो जरा बताएं। हमने 10 के 10 जो प्रत्याशी उतारे हैं वो हमारे सब बहुत अनुभवी लोग हैं। हमने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को उतारा है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी को उतारा है, हमने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिनको लंबा प्रशासनिक अनुभव है अरविंद शर्मा जी को मैदान में उतारा है और हमने अपने पुराने सदस्य लक्ष्मण आचार्य जी को उतारा है, माटी कला बोर्ड के पिछड़े वर्ग के हमारे भारती जी है, विधान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रहे उप सभापति रहे कुंवर मानवेंद्र सिंह जी को हमने उतारा है, मैं स्वयं 3 बार विधायक रहा हूँ, 2 बार पार्टी का महामंत्री रहा हूँ, वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ। पार्टी ने सारे वरिष्ठ लोगों को, गोविंद नारायण शुक्ला जी हमारे महामंत्री हैं, पार्टी ने सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विधान परिषद में भेजने का काम किया है और इनको आगे भविष्य में तो इसी हिसाब से 2022 के चुनाव में और ऐतिहासिक जीत के लिए इन सबको जिम्मेदारियां दी। सलिल जी, भविष्य में अब जो विधान परिषद चुनाव है उनकी तो हम बात कर ही रहे हैं, अगर पंचायत चुनाव को लेकर बात करें क्योंकि यूपी की अगर बात करें काफी विकास हो रहा है और छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनको भी जो विकसित करने की तमाम तैयारियां हैं वो योगी सरकार की तरफ से बखूबी की जा रही है और काम भी किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें आगे और ज्यादा विकास को लेकर तो क्या कुछ सामने आएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है और हमने किसानों को और खेती को पूरा सम्मान देने का काम किया है। हमने किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाया है, हमने किसानों की फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाया है, हमने उनको अपने तमाम संचार माध्यमों से कैसे और अच्छी उत्तम खेती हो उनको ज्यादा रिटर्न मिल सके, हमने प्रदेश के किसानों की आय को दुगुना करने का जो एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, हम कृषि की अर्थ पर आधारित अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने वाले हैं और कर रहे हैं और एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीद अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की खरीद बिल्कुल हुई है। एमएसपी को लेकर जी हाँ सलिल जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आपसे आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगी, अगर हम किसानों को लेकर बात करें तो किसान आंदोलन लगातार जारी है लेकिन अगर हम यूपी में किसानों की स्थिति और किसानों की राय के बारे में बात करें तो क्या उनकी राय है और अगर योगी सरकार को लेकर रवैये की बात करें तो क्या वो रवैया रहे? किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो चंद बड़े किसानों का आंदोलन है, सामान्य किसान का छोटे किसान उसमें कोई भी शामिल नहीं है और सारे हिंदुस्तान के सारे बड़े चैनल और विश्वसनीय चैनल है वो इस बात को कह रहे हैं ये प्रायोजित आंदोलन है और इसका आम किसान से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसको जन समर्थन नहीं मिल रहा है। सामान्य छोटी जोत का किसान तो अपने खेतों में निराई गुराई और सिंचाई में लगा हुआ है, वो कोई नहीं जा रहा है, वहां पर जो लोग पिकनिक मनाने गए हैं वो जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलिल जी और आने वाले वक्त के लिए चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अरविंद कुमार शर्मा ने भी न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है, देखिए। रोले 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 के दौरान तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आई। वहीं हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से नामांकन प्रक्रिया जारी रही। अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्रावस्ती जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लाइव है। बहुत समझदार नेता होंगे, हैं? अपनी पार्टी से गए? अच्छा वो गए, अरे छोड़ो कहां बात। अखिलेश जी ये बताइए कि चाचा ने आपके कहा कि ईवीएम के सहारे बीजेपी बेईमानी कराकर चुनाव जीत रही है, आपका क्या कहना? देखिए, समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, ऑन करोगे तो हम और नेता ही दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? पत्रकारों को लेकर के आप क्या? तो आप सोचिए, अमेरिका जैसे में सवाल उठते हैं, वहां भी वोट बैलेट से पड़ रहा है, अभी बनारस में वोट बैलेट से पड़ा, जो अपने आप आ रहे हैं और तो मैं ही आऊंगा ना पीछे, चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायक के बाद नहीं, उनका उनके क्षेत्र में नहीं लड़ेंगे, उन्हें सरकार में कहा कि मंत्री बनेंगे सम्मान मिलेगा वो अलग बात, लेकिन अगर कोई जीतने वाले राजनीतिक परिस्थितियां होंगे तो विचार करेंगे।
विधान परिषद चुनाव में आप 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, बीजेपी 12 सीटों पर लड़ रही है, कैसे आप विजयी? बीजेपी 12 नॉमिनेशन कर दिए उन्होंने, 2 और बढ़ा कर दिए। नहीं नहीं 10। अच्छा अच्छा 10 पे 2 तो अभी हाँ 13 नॉमिनेशन हो गए, तो अच्छा है, वो तो चुनाव अच्छा है। अब कल जो लोग जो विधायक आपसे मिले थे उनके साथ 6 विधायक और हैं, यानी 7 लोग हैं जो बाकी। तो अभी क्योंकि मैं शिविर में था कि किसने और नॉमिनेशन किया मेरी जानकारी नहीं है, अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं उनके भी विधायक भागने को तैयार है, यूपी सरकार कह रही है क्योंकि उन्हें पता है कि कितनों की टिकट कटेगी। यूपी सरकार कह रही है हम धान खरीद में नंबर 1 है, जबकि किसान का धान नहीं खरीदा गया। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोले में नंबर 1 है। अरे हम यहाँ बैठे जब खींचोगे तो मैं ही आऊंगा ना पीछे, अगर मेरे को खींचोगे तो क्या आएगा हम और 22 में 22 के। श्रावस्ती में पहले परशुराम मंदिर का निर्माण और उसके बाद प्रशिक्षण शिविर, क्या माना जाए इसे? देखिए भगवान परशुराम और जितने भी हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं हम सबको मानते हैं। नहीं हम पहले भी मानते थे और आगे मानते हैं, हमारे गांव में देखिए आप बहुत पुराना मंदिर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि क्या कर रहे हैं ये लोग। देखिए वैक्सीन पर वैक्सीन को लेकर के हमने साफ कहा कि हमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स उन पर कोई शिकायत नहीं है, और जो वॉलंटियर जो अपने आप आ रहे हैं और ट्रायल्स में जो सहयोग देने में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत केवल इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बताए कि कब गरीबों को मुफ्त में फ्री वैक्सीन लग जाएगी और पूरे के पूरे प्रदेश के लोगों को किस तारीख तक वैक्सीन लग जाएगी। मान लीजिए अमेरिका है, सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, वहाँ के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि 100 दिन में हम 100 मिलियन वैक्सीन लगाएंगे। आप सोचिए बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा कितने लगाएंगे वैक्सीन, ये बताइए कितने दिन में लगा देंगे 100% हमारे गरीबों को, और क्या फ्री लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपने वैक्सीन का विरोध किया था, अब क्या आप यूटर्न ले रहे हैं, क्या मतलब है? नहीं आपने पूरी बात ही नहीं जानी। आप अभी आपने कहा, इससे पहले आपने कहा बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमने कहा हाँ, अब उसकी अगली लाइन भी सुन लीजिए। हमने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार ये बताए कि हमारे गरीबों को फ्री वैक्सीन कब तक लग जाएगी और सबको कब तक लग जाएगी, वो भी समय बताए, और आने वाले समय में 1 साल बाद समाजवादी सरकार बन रही है हम सबको फ्री लगाएंगे और हम भी लगवा लेंगे, क्या गलत कहा हमने? 2022 वैक्सीन को लेकर राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को वैक्सीन फ्री नहीं लगाना चाहती। आपके वैक्सीन के सवाल पर रुधौली के विधायक हैं, अयोध्या से आए थे भ्रमण पर बलरामपुर, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को बिना कुछ किए ही राजनीतिक विरासत मिली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ वो बात ठीक कह रहे हैं, बहुत जानकार होंगे, बहुत समझदार नेता होंगे वो, हैं अपने पार्टी से गए। अच्छा वो गए, अरे छोड़ो कहाँ बात। अखिलेश जी ये बताइए कि चाचा ने आपके कहा कि ईवीएम के सहारे बीजेपी बेईमानी कराकर चुनाव जीत रही है, आपका क्या कहना? देखिए समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं, ऑन करोगे तो हम और नेता ही दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोचिए अमेरिका जैसे में सवाल उठते हैं, वहाँ भी वोट बैलेट से पड़ रहा है, अभी बनारस में वोट बैलेट से पड़ा, बीजेपी हारी कि नहीं हारी, तो अभी लोगों को भरोसा नहीं है। हमारी मैंने वर्कर से कहा कि सरकार बनाइए फिर इसको आगे ले जाइए, क्योंकि उलझिए मत, आप पहले हराइए भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट डाल करके। ये इस बार इतना वोट पड़ेगा कि ईवीएम भी नो रिकॉर्ड करेगी, देखना आप। अब हमारे सवाल का जवाब आया, सवाल का जवाब नहीं आया है, बिल्कुल आया नहीं। बीजेपी की तरफ से जो अभद्र त्रिपुटी जा रही है, जो अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये भाषा राजनीति में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोई राजनीति में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 2022 के चुनाव को लेकर आप जनता किन मुद्दों को?
इतने मुद्दे हैं कि आपको भी जेल भेज देंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी को भी जेल भेज सकती भारतीय जनता पार्टी, किसी पे भी झूठ के मुकदमे लग सकती है। और मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री ने और सबने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अच्छा, दो लोग हमारी पार्टी में, वो प्रदीप बौजी बसपा जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खालिद खान जी हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं दोनों। और खबरों का रुख करेंगे अब प्रयागराज से खबर, जहां जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो चुनाव को लेकर कचहरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, 2 ADM, 3 ASP और 18 इंस्पेक्टर तैनात किए गए। 1 कंपनी RAF, 1 कंपनी PSC भी तैनात की गई है। तो चुनाव को लेकर कचहरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, 2 ADM, 3 ASP और 18 इंस्पेक्टर यहां पर तैनात किए गए हैं। तो सुरक्षा को लेकर ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अधिवक्ता संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बता दें, जिला अधिवक्ता संघ चुनाव जिसके लिए वोटिंग जारी है और तमाम तरीके की सुरक्षा इंतजाम भी। और प्रयागराज में ही जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। इस मामले में एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मामले में SP सौरभ दीक्षित ने घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत भी की है। तो जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बता दें, खूनी संघर्ष में घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। के सरहरी गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में आपसी किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई है, जिसमें एक इंद्रदेव मिश्रा नाम के व्यक्ति को चोट लग गई है। उनके घर वालों द्वारा उनको अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई और इसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस की जैसे ही सूचना मिली, उसने संबंधित बलवा और हत्या की धाराओं में अभियोग को निगृत कर लिया गया है और इसमें जो भी नेम है FIR में कल्प्रिट्स इसके, उनके लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 से 3 टीमें इस वक्त रवाना कर दी गई हैं। बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। एटा से खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई, 1 घायल DCM और ऑटो की टक्कर। बता दें, 1 घायल हुआ है इस हादसे में, DCM और ऑटो की टक्कर हुई थी। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ था। तो शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रिजोर क्षेत्र के पास ये घटना हुई, DCM और ऑटो की टक्कर में 2 की मौत हुई है, 1 घायल हुआ है। तो घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ था, DCM और ऑटो की टक्कर हुई है घने कोहरे की वजह से, जिसमें 2 की मौत हुई है, 1 घायल हुआ। रिजोर क्षेत्र के पास की घटना बताई जा रही है, एटा के रिजोर क्षेत्र। जी हाँ, यहाँ पर DCM और ऑटो की आपस में टक्कर होने से इस सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल। और शाहजहांपुर दौरे पर हैं यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बता दें, विनोबा सेवा आश्रम में आशीर्वाद समारोह में शामिल होंगे और संबोधित करेंगे वहां। तो विनोबा सेवा आश्रम के 40वें स्थापना दिवस पर किया जा रहा है ये समारोह। विनोबा सेवा आश्रम की गौशाला का भी निरीक्षण करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। महिला किसानों और किसान उत्पादक संगठन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी। तो TB रोगियों से भी वो मुलाकात करेंगी आज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें, यूपी के शाहजहांपुर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।